नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 28E का सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 9 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए फंक्शन दिया गया e^ax * cos(bx+c)। दोस्तों देखिए यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन तो नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू में कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट y इक्वल टू e^ax और यहाँ पे cos(bx+c)। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट राइट साइड में वेरिएबल x है, इसलिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आगे देखिए तो हो जाएगा d/dx ऑफ LHS, यानी कि y इक्वल टू ये d/dx ऑफ RHS, यानी कि e^ax cos ये bx+c। अब इसे आगे देखिए, इसे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा dy/dx। यहाँ पर दोस्तों दो फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये समझिए u है और ये भी है, प्रोडक्ट में है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या करें कि u को बाहर कीजिए तो e^ax बाहर आ गया इंटू dy/dx ऑफ भी, यानी कि ये हो जाएगा cos(bx+c), फिर प्लस भी को बाहर कीजिए तो ये cos(bx+c) इंटू dy/dx ऑफ u, यानी कि e^x। इससे आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx एज इट इज रहेगा, ये e^x एज इट इज इंटू। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे cos(bx+c) है तो ये समझिए पूरा क्या है x, तो यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो dy/dx ऑफ cos(x) यदि रहता तो क्या होता, cos का क्या होता माइनस साइन, तो माइनस साइन x के जगह पे है bx+c इंटू। अब किसका होगा डिफरेंशिएशन bx+c का, तो dy/dx ऑफ bx का पहले करेंगे तो b कॉन्स्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा इंटू dy/dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1, और ये प्लस dy/dx ऑफ c। देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, प्लस ये cos(bx+c) एज इट इज इंटू dy/dx ऑफ e^x। दोस्तों यहाँ पे देखिए x रहता तो एज इट इज रहता है, यहाँ पे e^x का e^x ही रहता है, तो e^ax क्या हो जाए e^ax इंटू, यहाँ भी चेन रूल लगेगा। अब क्या होगा ax का, तो ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा a, एक कैसे हुआ क्योंकि a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और dy/dx ऑफ x कितना होता है 1 होता है। आई होप दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ है चेन रूल का। आगे देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा हम लोग e^ax इंटू माइनस साइन, ये हो जाएगा bx+c इंटू बी इंटू 1 हो जाएगा b प्लस 0 तो b ही हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हम लोग cos(bx+c) इंटू e^ax इंटू ए। अब इससे आगे देखिए ये dy/dx इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस वाले को पल लिख लीजिए यहाँ पे, तो देखिए ये e^ax e^ax इंटू ये cos(bx+c), फिर देखिए यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, तो ये माइनस लिख लीजिए यहाँ पे, और ये हो जाएगा हम लोगों को b e^ax इंटू sin(bx+c)। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग कॉमन क्या आ रहा है सो बताइए, यहाँ पे dy/dx इक्वल टू, देखिए e^ax यहाँ भी है e^ax यहाँ भी है, तो e^ax कॉमन ले लीजिए, तो e^ax हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, ये हो जाएगा a cos(bx+c) माइनस यहाँ पे b बचेगा तो b sin(bx+c)। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 9 का। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।